focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world class businesses. Big Tech. आपसे हमारी कोई ना लड़ाई है ना कोई बात है. पहले मैं सबसे पहले एक अनुरोध करूंगा हर वक्ता से एक अनुरोध है कि जो भी आए भारत की आत्मा जवान और किसान होते हैं, जो भी आए किसी को अपनी सभ्यता का परिचय दे, ना कि असभ्यता का गाली देके एक आक्रोश पैदा होता है. हमें भी भड़कावा जा सकता है और हमारे जो ये भाई खड़े हैं इनमें भी भड़कावा सकता है. आप लड़ाई जरूर जीतेंगे क्योंकि जब 16 दिन तक 10 साल 12 साल हमको भी लड़ते हो गए थे, जब 16 दिन तक भीषम 18 छोड़ी सेना को लड़ते रहे मरते रहे, तो फिर लास्ट में क्या हुआ था कपिल भाई मेरे प्यारे भाइयों? ये हुआ था कि जैसे आज हमारी ये बहन बेटी प्रशासन ने हमारे सामने खड़ी कर दी है कि दादा भीषम बूढ़े हो गए बस की नहीं लड़ाई और सपने में भी अर्जुन दी के रथ पे खड़ी लुभाई. तो आज हमें ये लग रहा कि हमारी बहन बेटी हमारे भाइयों को ही लाके आगे खड़ा कर दिया है. तो मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए इसी उसको मनवीर भाई बाद में भी बोलेंगे, पहले आए और जो हमारे प्रमुख मुद्दे क्या है कोई हमसे आस. हमारे इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत बड़े भाई राजेंद्र प्रधान जी ने आदेश दिया है कि आज हम इकट्ठे क्यों हुए हैं, क्यों हमें हमारे बुजुर्ग किसानों को ठंड में जिन्हें घर में बैठना चाहिए था, हमारी मातृशक्ति जिनको घर में रहना चाहिए था, आज वो अथॉरिटी के गेट पे क्यों बैठे हैं और ये नौजवान आज यहाँ भारत माता के नारे क्यों लगा रहे हैं? मुझे आदेश हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ सूक्ष्म में ही. फैसला आप लोगों को करना है. वैसे तो आप सबकी जानकारी में है क्योंकि पिछले 10-15 साल से इस क्षेत्र के इन्हीं किसानों और नौजवानों ने अपने अधिकार के लिए बार बार लड़ाई लड़ी है. आप सबको जानकारी में है और जो भी हमें छोटे मोटे अधिकार मिले वो आपके अपने आंदोलन से अपनी आवाज से मिले. साथियों, पिछले आंदोलन के माध्यम से जो आपके आंदोलन से 339 से 850 रुपए मीटर का मुआवजा बढ़ा, फिर आपके आंदोलन से 850 से मांगने नहीं आए, ये सवाल करने आए सीओ साहब कि ये किसान और नौजवान आप इनको ये मत समझो कि ये भोले ऐसे ही हैं. ठीक है, यहाँ के किसान सीधे हैं, यहाँ के नौजवान सीधा है, भरोसा करता है. आप हमारे काम कर दो, आपका सम्मान करेंगे, वरना पंडा साहब पैना न छोड़े वाले. आप सबसे ये अनुरोध करना चाहते हैं, अब इन्होंने किया क्या है वो सुन लो. इन्होंने कह दिया कि आप रुक जाओ, हम सारा काम कर देंगे. सीओ साहब से मिलते हैं तो खड़े हो जाते हैं, ये नहीं बताओ सीट से खड़े होकर बात करता है कि कोई. मैंने कहा अगर खड़े होकर बात कर रहा है तो सड़क पे आ जा, और अगर अथॉरिटी में अगर आपको खड़े होकर बात कर रही है तो आ जाओ सड़क पे बात करो, लेकिन अथॉरिटी बात करो तो तुम भी बैठो और हम भी बैठ के बात करते. हम ऐसे कोई उड़दंगी लोग थोड़ी है, अपनी बात कर रहे हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है. आज भी भाग्य होंगे, जन सुनवाई करते हैं मंगलवार को और बृहस्पतिवार को. साथियों, मैं हाथ जोड़ के सरदारों से कह रहा हूँ, किसानों का शोषण हो रहा है यहाँ, शोषण हो रहा है. एक सारे अधिकारी एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक तरफ इधर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, और किसान कोई मजबूत है वो अपनी बात भले ही रख देता हो, लेकिन कोई साधारण किसान जाता है तहसीलदार उधर से बोलता है, अरे ये नहीं है बाबू उधर से बोलता है, प्लानिंग वाले रेडी इधर से बोलती है, चढ़ जाता किसान. किसान जो है लगाने 10% चाहिए थे, इनके वादे के मुताबिक प्रेस वार्ता करके 6% रचने का इतिहास रच दिया इन्होंने. यानी अगर 6% लगाए तो 10% नहीं दे रहे ना, आप भी बताओ. ये तो तय हो गया कि जब हमारे जबरदस्ती 6% लगा रहे, वो भी एक गांव के दूसरे गांव में, रोजे के
और हमारे एक्सेसर के गांव के लगाएंगे साधोपुर में, और ग्रेटर नोएडा ईस्ट के वेस्ट ईस्ट के किसानों के लगाएंगे घगोला में। हम ये कह रहे हैं पहले घगोला वालों के घगोला में लगा दो, और साधोपुर वाले के साधोपुर में लगा दो, और रोज वालों के रोज में लगा दो। अब सुनो, 10% लगाने के बजाय ये बात कर रहे हैं, आबादी छोड़ने की कमेटी बनानी चाहिए थी कि नहीं, लेकिन तोड़ने की बना दी, तोड़ने की बना दी इन्होंने बोर्ड बैठक को पास करके कि अगर 3000 मीटर से जा छुड़ी है तो जा चौकर तोड़ी जाएगी। प्रधान जी बैठे महाराज जब सिंह जनपद से मजबूत चाहती है, लीज बैक के लिए फाइल देने के लिए गए, 3000 से कम की फाइल थी, तो कह रहे हैं कि मौके पर देखेंगे जाकर, जब लीज करेंगे हम बताएंगे लीज करने लायक है कि नहीं है। सारी फाइल तैयार है, साइन हो गए, एसीओ के साइन, प्लानिंग के साइन, सबके साइन हो गए। मौके पर जाकर सर्वे करा कर तहसीलदार फोटो खींच के प्रधान जी पे फोन करके दबाव बनाता है, जी आपकी तो गोभी पूरी है। अरे बेईमानो ये बताओ, हम अपने घर में गोभी बोए या प्याज बोए, तुम्हारे पेट में काहे को दर्द हो रहा? ये तो अपने अपने गमले में, अब ये तो अपने गमले में गोभी भी बोएंगे और बैंगन भी बोएंगे, और हम अपने बंगले अपने घर में कुछ भी ना बोए। ये तानाशाही है। पेपर में पढ़ रहे होगे आप लोग, जिन किसानों को पहले प्लॉट दे दिए हबीबपुर के चौगरपुर के डेढ़ के, उन पर इस बात की हजारों की पेनल्टी लगा दी कि तुमने अपनी मर्जी से मकान क्यों बना लिए, इस बात की पेनल्टी लाखों की लगा दी। और इधर बिरवांडी में इधर कुछ गांव में छर में इधर के कुछ गांवों में सारे प्लॉट दिए 6% के, ना मौके पर सड़क है, ना मौके पर कोई सीवर है, ना लाइट का पता, ना प्लॉट का पता, घर पे पेनल्टी पहुंचा दी। यानी उन किसानों पे इस बात की पेनल्टी लगा दी कि आपके 3 साल पहले लेटर पहुंचवा दिए, लेटर पे बैठे, उनसे पूछो लेटर पे लेंटर गिरते का, अरे मौके पर सड़क